अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसकेएम 91 न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिकार हुसैन, मेंबर ऑफ IMMA इंटरनेशनल कोच, पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी मलकपेट हैदराबाद को MFN6 मैट्रिक्स फाइट नाइट इन दुबई में जज के तौर पर 24 सितंबर 2021 को हैदराबाद तेलंगाना से चुना गया है। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर टाइगर श्रॉफ और उनकी फैमिली है। ये इंडिया और तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके अलावा पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी मलकपेट में बहुत से लड़के और लड़कियां भी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। आइए सुनते हैं मजीद तफसलात उन्हीं की जुबानी। हमारे नुमाइंदे शेख अरबाज की एक खास रिपोर्ट पेश है। एसकेएम 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट एसकेएम 91 न्यूज। का मौका दिलाया है आज, ये मेरे लिए बायस फ़खर की बात है कि ये सीजन 6 मैट्रिक्स फाइट नाइट का मैं जज मुकर्रर किया गया हूँ, जो टाइगर श्रॉफ जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं। इससे पहले ये 3 मरतबा इंडिया में, बॉम्बे 2 मरतबा, बॉम्बे 1 मरतबा और दिल्ली, और 2 मरतबा 4th एंड 5th सीज़न दुबई में हुई, और ये 6th सीज़न है इसका। मैट्रिक्स फाइट नाइट 6 जो 24 सितंबर को होने जा रही है, उसके लिए मुझे एज अ जज चुना गया है। इंडिया से 3 जजेस चुने गए हैं जिसमें से मैं एक हूँ। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे जो सिलेक्शन पैनल है, रिस्पेक्टेड डैन आइजैक सर, रिस्पेक्टेड एलन सर, रिस्पेक्टेड जीतू जैन सर, इन्होंने मुझे इस काम के लिए मुझे चुना है। और मैं जिस तरह से वो लोग ने मुझ में विश्वास जताया है, जिस तरह से उन्होंने मुझे ये मौका दिया है जजिंग के लिए, मैं 100% अपना एफर्ट लगाऊंगा। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जजिंग सेशन मैं दूंगा, और ये मेरे लिए और मेरी कंट्री के लिए, मैं बीइंग ए इंडियन आई फील वेरी प्राउड फॉर दैट, क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। बीइंग ए मेंबर आई फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स फाइट नाइट 6 एज अ जज। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट किया, एज ए जज पार्टिसिपेट किया, एज ए कोच, एज ए रेफरी मैंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इस बार एक वेरी वेरी स्पेशल, जो बहुत ही कमर्शियल बेसिस पे बहुत सबसे बड़ी फाइट नाइट है, मैट्रिक्स फाइट नाइट 6, जो एक बहुत बड़े लेवल पे 7-स्टार होटल ला प्लाजा में, जो प्लाजो होटल में, जो है ना प्लाजो वर्सेस होटल में मुनक्किद की गई है दुबई में। ये दुबई का ये जो इवेंट है, ये इस साल का सबसे बड़ा बिगेस्ट इवेंट है, और फाइटर्स के लिए मान के चलिए कि दुनिया से हर कोने कोने से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर आ रहे हैं। उसका कैश प्राइज भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत बड़ी फाइट है जिसके लिए बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं वहाँ पर। उन दिग्गजों में मुझे एक ऐसा मौका मिला है कि मुझे वहाँ पर प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट। मैं 100% मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे सीनियर शिहान डैन आइजक सर, मेरे सनसाई एलन सर, और सनसाई 24th के दिन हम लोग यहाँ से 22nd के दिन हम लोग यहाँ से फ्लाई होंगे दुबई से। और ये ग्लोबल अथॉरिटी ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन एंड ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ने हमें वहाँ पर यहाँ से जाने के लिए हमें फ़्लाइट्स इमिरेट्स फ़्लाइट्स दी है, वहाँ पर 7-स्टार होटल में रहने के लिए अकोमोडेशन दिया, पूरी 7-स्टार जो है ना फैसिलिटी हमें प्रोवाइड किए। रियली वी फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन। मेरे लिए खुशी की, बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं इतनी बड़ी फेडरेशन में, इतनी बड़ी चैम्पियनशिप में, मैंने कई इवेंट्स मैंने देखे, 16 कंट्रीज मैंने घूमे, कई इवेंट्स मैंने देखे, कई कंट्रीज में घूमा, लेकिन हर किसी का एक ख्वाब होता है, हर फाइटर का एक ख्वाब होता है कि वो मैट्रिक्स फाइट नाइट में वो फाइट करे। पर मुझे मेरे जो सुपीरियर है, सीनियर है, शिहान डैन आइजैक सर और सेंसेई एलन सर, सेंसेई जीतू जैन सर, उन्होंने मुझे एज ए जज मुझे वहाँ पर चुना है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा और ये प्रूफ कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट इन इंडिया एंड आई एम द बेस्ट इन तेलंगाना, आई एम द बेस्ट इन हैदराबाद। हैदराबाद से या इंडिया से कोई सेलेक्ट हुआ है? हाँ, इंडिया से सेलेक्ट हुए, इंडिया से, टोटल इंडिया से 3 जजेस सेलेक्ट हुए हैं। नहीं, फाइट के लिए हैदराबाद से कोई भी फाइटर्स सेलेक्ट नहीं हुआ। इंडिया से है? इंडिया से है।
उसकी लिस्ट है पूरी, मैं आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा उसकी लिस्ट, सारी लिस्ट है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हाइड की जाती है, क्योंकि हम जज है, हमारे सामने अगर फाइटर के बारे में पूछा जाए, यानी फाइटर से हमारे कुछ कनेक्शन हो, तो हम जजमेंट में किसी का फेवर कर सकते, इसीलिए जजेस के सामने ये सारी चीज़ें हाइड करके थी, किसकी फ़ाइट किससे है, कौन कब किससे फ़ाइट कर रहा है, ये सारे हमको डायरेक्ट सीधा केज में जाना पड़ता है, केज में जाकर वहाँ पर जजिंग करनी पड़ती है। हमारे सामने फाइट्स और इवेंट्स पूरे हाइड किए जाते हैं, जो भी फाइट्स हैं और फाइटर के नाम होते हैं।